वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपनी बेटी और परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। पिछले ही दिनों पति और बेटी के साथ मालदीव्स में छुट्टियां मनाकर आई हैं ऐश्वर्या। बीते दिनों सास जया और पति अभिषेक के साथ डिनर डेट पर स्पॉट हुई। इस मौके पर बिग बी नजर नहीं आए। ऐश्वर्या राय ने व्हाइट टॉप, ब्लैक जीन्स और ग्रीन श्रग पहना हुआ था। वहीं जया बच्चन व्हाइट सूट में नजर आईं। ऐश्वर्या लाडली आराध्या का हाथ थामे हुए नजर आईं। आपको बता दें कि ऐश्वर्या पूरे परिवार के साथ वोट डालने गई थी। बिग बी अभिषेक बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय एक साथ वोट डालने पहुंचे थे। एक ही कार में बच्चन परिवार वोटिंग के लिए पहुंचा। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना वोट तो डाला ही, साथ ही वोटिंग सेल्फी भी शेयर की। वोटिंग सेल्फी शेयर करने में अभिषेक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी ऐश के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी। पिछले ही दिनों ऐश्वर्या और अभिषेक 12वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने मालदीव्स गए थे। इस खास पल की दोनों ने खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पूल में नहाते हुए फोटो शेयर की थी। ये फोटो ऐश्वर्या राय ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। फोटो में ऐश्वर्या बेटी के साथ काफी मस्ती करते हुए नजर आई। काम की बात करें तो ऐश्वर्या आखिरी बार फन्ने खां फिल्म में नजर आई थी। इसमें अनिल कपूर और राजकुमार राव जैसे एक्टर भी थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में उन्होंने सिंगर की भूमिका निभाई थी। बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक जल्द ही एक साथ एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। इससे पहले दोनों कुछ ना कहो, ढाई अक्षर प्रेम के गुरु, उमराव जान, सरकार राज जैसी फिल्मों में भी साथ काम कर चुके हैं। ऐश्वर्या पिछले साल फन्ने खां में तो अभिषेक मनमर्जिया में नजर आए थे। मनमर्जिया फैंस को काफी पसंद आई थी। हालांकि मनमर्जिया में अभिषेक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर थे। रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक ने हाल ही में अनुराग बासु की फिल्म की शूटिंग खत्म की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।